अगले हमारा रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल। जब थॉमसन मॉडल ने, एटॉमिक मॉडल कैसा होगा, एटम दिखेगा कैसा, वो उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो फिर रदरफोर्ड आए थे कि उन्होंने फिर अपना मॉडल प्रेजेंट किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ क्या क्या रिजल्ट आए वो प्रेजेंट किया था। तो वो एटॉमिक मॉडल क्या है वो हम अभी पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड प्रपोज दैट एन एटम कंपोज्ड ऑफ एन एम्प्टी स्पेस मोस्टली विद इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन अ सेट इन अ प्रिडिक्टेबल पाथ फिक्स्ड अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो ये एक्सप्लेन कर रहा था ओवरऑल कि भाई पूरा एटम जो है वो अंदर से खाली है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पर्टिकुलर पाथवे में घूमते रहते हैं, एक पर्टिकुलर पाथवे में चारों तरफ घूमते रहते हैं अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड पूरे एटम घूमते रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट था क्या वो देखते हैं। तो इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, बहुत थिन गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, 100 नैनोमीटर उसकी थिकनेस थी, इतना पतला इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम 2 पॉजिटिव ये होते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स बोम्बार्ड करवा, अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर कंटिन्यूसली इसके ऊपर फेंका। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार मोर देन 95% ऑफ माई अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में आ गए, बहुत थोड़े से जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल्स पे, बहुत थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, मेजोरिटी जो है मेरा स्ट्रेट आ गई, और 1 in 10,000 जो है वो 180 डिग्री पे टकरा के वापस आ गए। अल्फा पार्टिकल आपके एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये याद रखें। अब जब मेजोरिटी पार्टिकल स्ट्रेट आ गए हैं तो इससे एक चीज पता चलता है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन, अंदर जो एटम है हमारा वो 95% खाली है। जो कुछ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, वो क्यों हुए होंगे, क्योंकि अंदर कोई एक पॉजिटिवली चार्ज होगा। और आप लोगों को पता ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल कर, तो मेजॉरिटी जो है आपका टकरा के, मेजॉरिटी जो है आपका सीधा टकरा के चला गया, बहुत थोड़े से आपके जो पार्टिकल्स थे वो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। और 1 in 10,000 जो है मतलब इतना कम प्रोबेबिलिटी जो है वो टकरा के सीधा 180 डिग्री पे टर्न हुआ। तो इससे पता चल रहा है कि अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज मास है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस जा रहे, ठीक है। तो ये इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसका ये सम टोटल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उससे इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, पहली कि मेजर स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, तभी तो मोर देन 95% आपके टकरा के सीधे चले जा रहे थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। सेकेंड, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड इज कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। जो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक बहुत थोड़े से वॉल्यूम में एक जगह कंसेंट्रेटेड है। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स हैड डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स और डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत थोड़े से पार्टिकल्स का लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हुए या बहुत ही थोड़ा जो सीधा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट बैक हुआ है, ठीक है। 180 डिग्री मतलब यहाँ पे गया टकराया सीधा यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में निकला, तो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कवर्ड द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एन एटम इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो बहुत थोड़े से वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, कि और वो सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे। तो ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था, और ये उस रदरफोर्ड जी की क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस थे। तो ये रदरफोर्ड ने पोस्टुलेट्स दिए थे, ये आप पढ़ लेना, ठीक।
अगला है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में कुछ चीजें थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर आए थे। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में मॉडिफिकेशन की और कुछ चीजें और एड ऑन की। क्या किया इन्होंने बताया, ही एक्सप्लेन दैट न्यूक्लियस जो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्या जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और पॉजिटिवली चार्ज सॉरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और वो सेंटर में एटम के सेंटर में होता है और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो बोर के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, उनका था कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स जो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो रिवॉल्व होते हैं अराउंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन अ डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट। एक डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होते हैं। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, ठीक है। ईच ऑर्बिट जो है एक पर्टिकुलर नंबर इंटीजर में ही इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, ये नहीं 1.1 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है, नहीं, या तो 1, 2, 3 इंटीजर फॉर्म में लेगी, ठीक है। हर ऑर्बिट इंटीजर फॉर्म में लेगी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकते, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई एक एटम है, ठीक है, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दूसरे में 8, दूसरे में 8, तो नीचे से बाहर जब हम जाएंगे तो एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करेगा। सबसे अंदर सबसे लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे सबसे लो एनर्जी होगी इसकी, और जैसे ही हम बाहर की तरफ जाते रहेंगे इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये बोर के पोस्टुलेट्स, ये पोस्टुलेट्स वगैरह आपके एग्जाम में नहीं आते, बट ये टॉपिक को आपको ढंग से समझ आ जाए पूरा, इस कारण मैंने ये सब आपको करवाया। अगला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। एक एक एलिमेंट में एक एटम एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर डिफाइन कर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन। इसको हम एक एग्जांपल देख के समझते हैं, एक पिक्चर पिक्चराइज फॉर्म में। एटॉमिक नंबर हमेशा ऊपर रहेगा, मास नंबर नीचे रहेगा। ऑक्सीजन का ये अप्रोक्सीमेटली हम 16 कंसिडर करते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, 8, तो ये आपका एटॉमिक नंबर है, ऊपर रहेगा। मास नंबर इसका इसमें टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो अराउंड 16 होगा, ठीक है, वो नीचे लिखा रहता है। तो हमेशा आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है, ऊपर आपका एटॉमिक नंबर, नीचे आपका मास नंबर, ओके। अगला टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर उनका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के आइसोटोप है 1H1, 1H2, 1H3। आप देखो तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बट इनका मास नंबर डिफरेंट है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। सो ये जो होंगे इसको हम कहेंगे आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप समझ आया, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स का एप्लीकेशन या यूजेस देख लेते हैं, तो कोबाल्ट 60 जो होता है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। हार्ट पेसमेकर जो होता है वो प्लूटोनियम 238 से बना होता है। थायराइड के इलनेस के लिए आयोडीन 131 यूज होता है। आपका फॉसिल्स की एज, कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 हम यूज करते हैं। फॉस्फेट जो होता है वो जो फर्टिलाइजर में यूज होता है
वो भी एक फॉर्म ऑफ आइसोटोप है। ठीक है, तो ये आइसोटोप के यूजेस हैं, इसे आप नोट कर लेना और याद करना। ठीक है, अगला है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। आइसोबार्स वो एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर अलग होगा बट मास नंबर सेम। क्या? जिनका एटॉमिक नंबर अलग होगा और मास नंबर उनका सेम होगा, उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स का फॉर एग्जांपल 18 आर्गन, 1840 कैल्शियम इज योर 2040। देखो, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर इनका सेम। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट याद करने वाला है, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होंगे। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट का होता है। ठीक है, तो ये है आइसोटोप और आइसोबार के बीच का डिफरेंस। इनका मतलब ये आइसोबार के यूजेस हैं, जैसे आइसोबार ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, आयोडीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, आइसोबार ऑफ कोबाल्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये आइसोबार के यूजेस हैं, इसे आप नोट कर लेना। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स वो एटम्स हैं जो जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो एटम जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? 36, 16। देखो, यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल लेते हैं, सेवनटीन 37। ये हो गया आपका मास नंबर, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। अगर आप देखो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ से माइनस कर दोगे कितना आया है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20, यहाँ से माइनस कर दोगे 20। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये स्पीशीज आर नोन एज आइसोटोनिक स्पीशीज। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो प्लीज 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 मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।